नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में आपके गांधी विभाग से जो पांचवा पाठ है, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, शांति स्वरूप बौद्ध का लिखा हुआ, इसको हमने प्रारंभ किया था और अंबेडकर जी के बाल्यकाल से हमने शुरुआत की थी, उनके जन्म के साथ। उनके पिता रामजी सुबेदार किसी छावनी, महू नामक छावनी के एक सिपाही थे, एक सैनिक थे। उनकी माता भीमाबाई के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था। कब? 14 अप्रैल सन 1891 91 में इनका जन्म हुआ था और उस वक्त इनका नाम भीमराव रखा गया। बाद में इनको घर में भीवा कहकर बुलाया जाने लगा। इनको पढ़ने लिखने की बहुत तीव्र इच्छा थी, लेकिन एक अछूत कुल जो महाराष्ट्र में महार जाति में आते हैं, तो महार जाति महाराष्ट्र में एक बहुत ही अछूत मानी जाती है, बहुत निचली जाति मानी जाती है, बहुत ही छुआछात की संप्रदाय और एक तरह से बहिष्कार का संप्रदाय वहाँ पे जन्म लिया हुआ था। इस बीच भीवा के बचपन में छूतछात का जो कठोर अनुभव सहना पड़ा उसके बारे में बता रहे। पाठशाला में दाखिल करना एक असंभव सा कार्य था अछूतों के लिए, क्योंकि मंदिरों और कुएं की तरह ही पाठशाला में भी इनको प्रवेश नहीं था। फिर भी रामजी सुबेदार अपने एक परिश्रम से सैनिक स्कूल में, जहां पे ये थोड़ा माहौल कम था, वहां पे इनका दाखिला करवा लिया। लेकिन दाखिला तो करवा लिया, लेकिन वहां पे सही तरह से शिक्षक भीवा को, यानी कि भीमराव को नहीं मिला। कैसे? वहां पे क्लासरूम में इनको अंदर प्रवेश नहीं मिला, बाहर की तरफ जहां पे बाकी बच्चे जूते छोड़ते हैं वहां पे बैठकर इनको शिक्षा लेनी पड़ती थी। उतना दूर और प्यास लगी तो वहां पे जो रखा हुआ बिंदी है या घड़ा है उससे पानी नहीं लेना है, बल्कि किसी और की मदद से पानी पीना है। जैसे चपरासी आकर उनको पानी देगा ऊपर से डालकर और उनको पीना है, अगर नहीं है तो उसे पैसे ही रहना है। तो इस तरह का कठोर अनुभव उन्होंने देख लिया और ये सब कुछ पिछले क्लास में हो चुका है। आगे देखते रामजी सुबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। वो जानते थे कि इन अछूत प्रक्रियाओं को एक ही शक्ति या एक ही ताकत मिटा सकती है, वो है शिक्षा और अनुशासन। शिक्षा और अनुशासन, ये दोनों अगर मेरे पुत्र को मैंने दे दिया तो शायद आने वाले दिनों में हमारे प्रति जो असह्य व्यवहार हो रहा है या इतना कठोर व्यवहार हो रहा है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, ये सोच वो रखते थे पहले से ही। इसलिए उन्होंने भीमराव को भी इसका पूर्ण शिक्षण दिया। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह से समझाया। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करने पर भी शिक्षा प्राप्त करने में वो जुटे रहे। बहुत ही अपमान किया गया, बहुत ही तरह तरह के अपमान किए गए। यहाँ तक कि एक कथा मैंने देखी है, सीरियल के तौर पर देखी हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह वो पैदल जा रहे हैं, भाई दोनों भीमराव के साथ, उनका बड़ा भाई, दोनों मिलकर पैदल जा रहे हैं और पैदल जाते हुए बच्चों को देखकर कोई बैलगाड़ी वाला उनको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, कहता है कि मैं छोड़ दूंगा वहीं पे जा रहा हूँ। वो बिना सोचे समझे बैठ जाते हैं, बातों बातों में ही इनके बारे में सब कुछ जान लेने के बाद जब पता चलता है कि ये महार जाति से या अछूत जाति से संबंध रखते हैं, तो उसी वक्त वो बैलगाड़ी को रोककर इस तरह से उनको बैलगाड़ी से नीचे गिरा देता है जैसे पशुओं को नीचे गिराते हैं या जानवरों को नीचे गिराते हैं। और गिराने के बाद इस तरह से उनको गालियां देता हुआ चला गया कि मानो जैसे उन्होंने उसका सर्वस्व लूट लिया। तो इस तरह की कहानियां, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी भीमराव अंबेडकर के साथ हुई हैं। और आगे देखिए, भीमराव हाईस्कूल में पहुंचे, प्राइमरी कक्षा पास करके, प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर पास करके ये हाईस्कूल में पहुंचे। लेकिन हाईस्कूल में पहुंचने के बाद भी छुआछूत का जो काली छाया थी वो
वहां पे उनके साथी पूछा, वहां पे भी वो अनुभव करना पड़ा। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। एक प्रश्न पूछते हैं गुरुजी अर्थात शिक्षक, किसी के पास उसका उत्तर नहीं था, लेकिन भीमराव अकेले उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो ही ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को क्वेश्चन का आंसर या कुछ भी प्रॉब्लम का सलूशन करना है तो ब्लैक बोर्ड की तरफ आकर करना है, तो भीमराव को भी मौका दिया गया और ब्लैक बोर्ड की तरफ आने लगे। तो जैसे ही वो आने लगे तो सभी कक्षा के सवर्ण छात्र यानी कि एक समान जो ऊंचे जाति से संबंधित रखते हैं, ऊंचे कुल से संबंधित रखते हैं, सभी शोर मचाने लगे और कहने लगे कि रोको, इस अछूत को रोको, इस अछूत को रोको। क्यों? ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हुआ हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड के नीचे जहां पे कुछ खुली जगह होती है और वहां पे इनका भोजन रखा गया सभी लोगों का, वो इस डर से उसको रोक रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड को छुएगा तो हमारा भोजन नष्ट या भ्रष्ट हो जाएगा या एक तरह से अशुद्ध हो जाएगा, इसको रोकिए। भीमराव इस प्रकार के असंख्य बहुत सारे अपमान को सहकर एक तरह से कुंभ के घूंट पीना, चुपचाप पीना मतलब सहकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर चुके हैं। बहुत से एक तरह से इनके इनके बारे में कहानियां आती हैं सीरियल के तौर पर, आपको देखना होगा कि उसके पर आपको पता चलेगा कि इनके साथ किस तरह के अपमान होते रहे। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, 1907 जहां पे इन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी, क्योंकि अछूत बालकों को इतनी लंबी समय तक पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिलता, बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं और पीछे रह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की और 10वीं कक्षा पार कर लिया, तो एक अछूत बालक के लिए, एक अछूत व्यक्ति के लिए एक महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव ने भीमराव के सम्मान के एक सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि उनके जाति में ही एक सर्वश्रेष्ठ साधना करने वाला व्यक्ति था, तो व्यक्ति थे तो उनके सम्मान में एक सभा आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन केलोस्कर नामक एक व्यक्ति अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। एक व्यक्ति हैं प्रख्यात व्यक्ति कृष्णा जी अर्जुन केलोस्कर के, ये बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, उनके द्वारा उन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक बुद्ध जीवनी नामक एक पुस्तक को उनके भेंट के रूप में दिया गया, पुरस्कार के रूप में दिया गया। इसी समय रामजी सुबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। आर्थिक स्थिति, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए रामजी सुबेदार की वेतन 50 रुपए पर माह महीना है और पूरे 50 रुपए उसके घर खर्चे में जा रहे हैं, तो कैसे आगे की शिक्षा इसको भीमराव को दे सकता है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि आर्थिक परिस्थिति हमारी ठीक नहीं है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि इसको आगे पढ़ा सकूं, क्योंकि इतना उज्जवल भविष्य या इतना उत्तम व्यक्तित्व रखने वाले भीमराव को आगे पढ़ाना लिखाना एक दायित्व होता है पिता का, लेकिन आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होने के कारण वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे और एक थोड़ा पैराग्राफ लेके मैं अभी उपस्थित हूंगा। तो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। 17 साल की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस समय जहां पे मैं बात कर रहा हूं 1907 या 1908 या 1900 के बाद की या उससे पहले के सब समय, बहुत छोटी उम्र में ही विवाह हुआ करते थे। यहाँ तक कि आपको बताना आवश्यक है कि जैसे ही कन्या का जन्म हो गया, जन्म के साथ ही उसका विवाह हो जाता, जन्म के साथ ही उसका विवाह तय कर दिया जाता, इस उद्देश्य से कि वो कहीं
आगे चलकर उनके लिए तकलीफ का मार्ग ना बने, कठिनाई का मार्ग ना बने, इसलिए वो इतना कठोर कार्य करते थे। तो यहाँ पे देखिए 17 साल के भीमराव हैं और केवल 9 साल की उनकी पत्नी रमाबाई, दोनों का विवाह कितनी छोटी उम्र है। आजकल अगर 9 साल की लड़की है तो इतनी ना समझ होती है कि उसको अच्छे बुरे के कुछ भी ध्यान नहीं होता, ऐसी अवस्था में उसका विवाह करना मतलब है कितनी मूर्खता है। तो यहाँ पे 17 वर्ष कोई बड़ी उम्र नहीं है, तो 10वीं कक्षा पार करने के बाद ही उनका विवाह समारोह हो गया। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। बहुत ही कठिनाई के सामना करते हुए उन्होंने कहाँ पे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। इस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी, क्योंकि इस कॉलेज में कोई भी अछूत बालक इतनी लंबी पढ़ाई करकर दाखिल नहीं हुआ था और इनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था, अनोखी बात थी। मगर रामजी सुबेदार भीमराव को और पढ़ाने में कठिनाई महसूस करने लगे तो केलोस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के पास ले गए। तो यहाँ पे पता है कि पहले से ही घोषणा कर चुके थे उनके पिता कि वो आगे नहीं पढ़ा सकते, आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पे जैसे ही उनके पिता हार मान गए तो जिसने उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया था केलोस्कर गुरुजी ने, उन्होंने भीमराव को कहाँ पे महाराष्ट्र के भीमराव को बड़ोदरा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी के पास ले गए। वहां पे जाकर उनके पास आर्थिक सहायता की मांग की। भीमराव ने अपनी विद्वत्व एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया, क्योंकि यहाँ पे किसी आए गए व्यक्ति को वो प्रोत्साहन नहीं देते, किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं देते जो सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए पढ़ना चाहता है। कोई महान व्यक्ति है, कोई सिद्ध व्यक्ति है, कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, उसी को वो अपनी धन सहाय के तौर पर देते थे। तो महाराज के सामने भीमराव ने अपनी बुद्धि क्षमता और विद्वता यानी कि विद्वान होने की जो क्षमता है उसको प्रकट किया, उसके वजह से महाराज का दिल जीत लिया। महाराज ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति स्वीकार कर दी, यानी कि महीने में कितना 25 रुपया, बहुत ज्यादा है क्योंकि अब के जमाने 25 रुपया पॉकेट मनी भी नहीं है कुछ लोगों की, लेकिन उस वक्त महीने की खर्चे के लिए 25 रुपया देना बहुत एक तरह से आभार व्यक्त करना होगा, क्योंकि पैसों में नहीं बल्कि उनसे भी कम कीमतों में चीजें मिलती थी, तो 25 रुपये में पूरा महीना गुजारना बहुत ही अच्छा था। तो छात्रवृत्ति दी गई, स्कॉलरशिप दिया गया। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। इसके बीच समाज की जो क्रूर व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उनको पग पग पर यानी कि हर रास्ते पर उनको कठिनाई महसूस कराती रही। वे संस्कृत पढ़ाना चाहते थे, वे संस्कृत भाषा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मगर है अछूत के लिए संस्कृत भाषा अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाने दी गया। देखिए यहाँ पे उनको संस्कृत आता था, वो संस्कृत में पूरी तरह से जानकारी रखते थे कि संस्कृत भाषा कैसी है, उसको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन एक अछूत होने के कारण उनको संस्कृत पढ़ाने नहीं दिया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और पारसी विषयों के साथ बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। देखिए यहाँ पे दो विषय, एक अंग्रेजी और दूसरी पारसी, दोनों विषयों में उन्होंने पारंगत हासिल करके 1912 में बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महान जाति के व्यक्ति बने, डिग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने, उन जाति के महान जाति के पहले व्यक्ति बने। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे की कथा लेकर
कल फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।